नमस्कार दोस्तों, एम हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि वकील आखिर काला कोट ही क्यों पहनते हैं, क्योंकि आपने अक्सर फिल्मों में वकीलों को बहस करते हुए देखा होगा जिसमें सभी एडवोकेट काला कोट अवश्य पहनते हैं। ये तो फिल्मों की बात हो गई, लेकिन हकीकत में भी वकील काला कोट ही पहनते हैं। यदि आप कभी अदालत गए हो या फिर आपने अदालत के बाहर वकीलों को जरूर देखा होगा जिसमें लगभग सभी वकील ब्लैक कोट में नजर आते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, वकील किसी दूसरी ड्रेस को पहनकर केस क्यों नहीं लड़ते हैं? आपको बता दें कि वकील आज से ही नहीं बल्कि कई सालों पहले से ब्लैक कोट पहनते आ रहे हैं। वकील के काला कोट का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ हमने इससे संबंधित कुछ बातें खोज निकाली हैं जिनकी वजह से वकील को काला कोट पहनना जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि वकालत की शुरुआत 1327 में एडवर्ड तृतीय ने की थी। हालांकि इस समय भी न्यायाधीशों के लिए विशेष वेशभूषाएं तैयार की गई थी, लेकिन शुरुआत में एडवोकेट की वेशभूषा काले रंग की नहीं थी। वकील की वेशभूषा में बदलाव साल 1600 के बाद आया, जब 1637 में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें न्यायाधीश और वकीलों को जनता से अलग दिखने के लिए काले रंग की वेशभूषा पहननी थी। दोस्तों, इसके अलावा जब साल 1694 में क्वीन मैरी की बीमारी के चलते मृत्यु हुई थी, तब उनके पति राजा विलियम्स ने सभी न्यायाधीशों और वकीलों को सार्वजनिक शोक मनाने के लिए काले रंग का गाउन पहनने का आदेश दिया था। इसके बाद काले रंग का कोट पहनने की प्रथा चली आ रही थी जो आज तक जारी है। दोस्तों, साल 1961 में भारत में एडवोकेट से जुड़े कुछ नियम बनाए गए थे जिनके तहत वकीलों को काला कोट पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके बाद से भारत के सभी वकील काला कोट पहनकर ही केस लड़ते हैं। इसके अलावा काले कोट की ड्रेस को वकीलों में अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। यह ड्रेस वकीलों को अलग पहचान दिलाती है। दोस्तों, भारत में तो साल 1961 को यह नियम बनाया गया था, लेकिन विदेश की बात करें तो इसका इतिहास काफी पुराना है। जब इंग्लैंड के किंग चार्ल्स की मृत्यु हुई थी, तब उनकी शोक सभा में सभी वकील काला कोट पहनकर गए थे। इसके बाद विदेशों में भी एडवोकेट को ब्लैक कोट पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि काले रंग का संबंध आज्ञा पालन, पेशी और अधीन से भी होता है। इसके साथ ब्लैक कलर को ताकत और अधिकार का प्रतीक माना जाता है। इंग्लैंड में काला रंग प्रोफेशन के लिए काफी लोकप्रिय माना जाता है, इसलिए कई विशेष सभा में बड़े अधिकारी काले रंग की ड्रेस पहनकर मौजूद रहते हैं। दोस्तों, काले रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक होता है, इसलिए कानून को अंधा माना जाता है, क्योंकि दृष्टिहीन व्यक्ति कभी पक्षपात नहीं कर सकता। इसलिए वकील काला कोट पहनते हैं ताकि वो भी दृष्टिहीन व्यक्ति की तरह बिना कोई पक्षपात के सच्चाई के लिए लड़ सके, जिससे कोर्ट में सच्चाई को बढ़ावा मिल सके। तो अब आप जान ही गए होंगे कि वकील काला कोट क्यों पहनते हैं। इसका इतिहास काफी पुराना है जो सदियों से चला आ रहा है। यहाँ हमने कुछ प्रमुख कारण भी साझा किए हैं जिनसे आपको इसे समझने में आसानी हुई होगी। दोस्तों, भारत में तो काफी बाद में एडवोकेट को काला रंग पहनना अनिवार्य किया गया था, लेकिन विदेशों में वकील काफी समय से काला कोट पहनते आ रहे हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हो आगे भी इस प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे, तो आप चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। वह इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।